हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले वीवो की तरफ से आने वाले एक 5G कैटेगरी के स्मार्टफोन का, जो कि है वीवो V21 5G, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। फाइनली हमारे पास वो स्मार्टफोन आ चुका है। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर ली थी, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि Vivo V21 को Vivo के पिछले साल लॉन्च हुए Vivo V20 के सक्सेसर के तौर पे लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं कि Vivo के बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं Vivo का बॉक्स, Vivo V21 की बैजिंग, और नीचे साइड में आपको 5G की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो साइड में भी Vivo की बैजिंग आपको मिल जाएगी, बैक साइड में आपको Vivo के स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और साथ ही साथ कलर और वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद इसी के नीचे हमें देखने को मिलता है डॉक्यूमेंटेशन और टीपीयू केस। टीपीयू केस की क्वालिटी डिसेंट है, ठीक ठाक है। आपको धूल मिट्टी और नॉर्मल डैमेज से ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर लेगा। इसे रखते हैं साइड में, और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल जो भी आपका है देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर आपको सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है, इसे करते हैं साइड में। और साथ ही साथ आपको बॉक्स में वीवो का फ्लैश चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये कितने वाट का है, इसके रिगार्डिंग आगे वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। और साथ ही साथ आपको बॉक्स में एक, जो कि आजकल किसी भी स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें देखने को नहीं मिलते ज्यादातर, ईयरफोन भी हमें मिलते हैं। हां गाइस, और इसी के साथ हमें डोंगल भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको 3.mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है। वीवो ने इसके साथ हमें USB टाइप सी टू 3.mm जैक डोंगल भी दिया है आउट ऑफ द बॉक्स। इन सब एक्सेसरीज को करते हैं हम साइड में, आते हैं हमारे स्मार्टफोन के ऊपर, करते हैं स्मार्टफोन को अनरैप। बात करें बैक की, तो आपको इसमें ग्लास देखने को मिल जाता है सनसेट डेजल कलर के साथ, जो कि चटकदार कलर है। और नीचे आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको पावर बटन, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और साथ ही साथ आपको सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल फोन की डिजाइन की बात करें, तो आपको ये फोन एकदम स्लिम देखने को मिल जाएगा, थिकनेस भी इसकी बहुत कम है। तो चलिए करते हैं फोन को बूट। और जब तक फोन बूट होता है, तब तक हम इसका TFT केस लगा कर देखते हैं कि ऐसा लुक देता है इसे, और क्या इसके वेट में कुछ डिफरेंस देखने मिलता है या नहीं। तो बात करें स्मार्टफोन की वेट की, तो इसमें आपको 192 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, और कवर डालने के बाद भी आपको इसके वेट में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, इसमें हमें 6.4 इंच की फुल HD 20:9 एस्पेक्ट रेशो वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है। साथ ही साथ आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, और Vivo V21 Android 11 के साथ इनटच OS के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो आपको इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। आप अच्छे से अच्छे गेमिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके मेन हाइलाइटेड फीचर के, जो कि है इसका कैमरा। आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने मिल जाता है। साथ ही साथ आप इसमें 4K 30fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसी में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड फीचर्स भी इसके कैमरे में इंक्लूड देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, जिसमें आपको OIS सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ आप इसमें फ्रंट कैमरे से 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैमरे के साथ 2 LED फ्लैश भी मिलते हैं, जिसे Vivo स्पॉटलाइट सेल्फी कहता है। बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और साथ ही साथ आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एक बार में एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बैटरी की, तो आपको स्मार्टफोन में 4000 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फ्लैश चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, और ये चार्जर 0 to 63% तक बैटरी 30 मिनट में चार्ज कर देता है।
सिक्योरिटी की बात करें तो Vivo V21 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि फास्ट काम करता है, और साथ ही साथ आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है जिसका रिस्पॉन्स तगड़ा है। तो फाइनली दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो Vivo V21 आपको 30,000 के आसपास ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।